नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज हिंदी। आमिर खान बॉलीवुड के उन एक्टर्स में शामिल हैं जिन्होंने कई बार दर्शकों को ब्लॉकबस्टर्स मूवी दी हैं। लेकिन आमिर इन दिनों अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। देश की जनता उनकी मूवी को पूरी तरीके से बॉयकॉट कर चुकी है। मूवी बड़े पर्दे पर तो रिलीज हुई लेकिन बुरी तरीके से पिट गई। तो अब एक बार फिर से आमिर खान पर सवाल खड़े हो रहे हैं और अब जिन्होंने आमिर खान पर सवाल उठाया है वो खुद एक पत्रकार है। उन्होंने आमिर खान को सोशल मीडिया के जरिए जमकर लताड़ा है। आमिर खान एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने समय समय पर या तो देश के विरुद्ध बयान दिए हैं या तो अपनी मूवी के जरिए एक ही धर्म को टारगेट करने की कोशिश की। अब आमिर एक बार दोबारा से लोगों के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल हाल ही में अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति में अपने फिल्म लाल सिंह चड्ढा के प्रमोशन के लिए आमिर खान आए थे, जहां शो में उनके एक बर्ताव को पसंद नहीं किया गया और विकास मिश्रा नाम के पत्रकार अपने फेसबुक पेज पर आमिर खान पर कई सवाल खड़ा करते हुए नजर आए। चलिए हम आपको बताते हैं इसके पीछे की पूरी वजह क्या है और विकास ने क्या कुछ लिखा है वो भी हम आपको बताएंगे। विकास ने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है, एक अभिनेता के तौर पर आमिर खान मुझे हमेशा अच्छे लगे हैं। उनकी अच्छी बुरी, हिट फ्लॉप, शायद ही ऐसी कोई फिल्म होगी जिससे मैंने देखा ना हो। लेकिन पिछले रविवार को अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति में आमिर खान की कुछ हरकतों से मैं अचंभित रह गया। केबीसी के पहले शो में आमिर खान के अलावा कारगिल युद्ध के योद्धा मेजर डीपी सिंह और सेना पदक पाने वाली महिला अफसर कर्नल मिताली मधुमती भी आई थी। हुआ यूं कि कर्नल मिताली मधुमती के शौर्य पर वंदे मातरम के नारे लगे और सभी लोगों ने हाथ उठाकर वंदे मातरम कहा। खुद अमिताभ बच्चन ने वंदे मातरम कहते हुए कई बार हाथ उठाया लेकिन आमिर खान हाथ लटकाए रहे, वंदे मातरम भी नहीं बोला, सिर्फ एक बार मातरम कहा और वो भी हंसते हुए। बात सिर्फ यही नहीं थी, सेना के सम्मान में सबने खड़े होकर सैल्यूट किया। अमिताभ बच्चन, मेजर डीपी सिंह समेत सभी लोग हाथ को माथा सटाकर सैल्यूट की मुद्रा में थे लेकिन आमिर खान का हाथ ऊपर की तरफ उठा ही नहीं। यूं ही वो ये सब देखते रहे। तो इसे हम क्या माने, आमिर के मन में देश की सेना के प्रति सम्मान नहीं है या फिर वो लापरवाह है या फिर वो कट्टर मुसलमान है जो मानते हैं कि हाथ उठाकर वंदे मातरम कहने और देश को सैल्यूट करने से उनका इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। विकास यही नहीं रुके, उन्होंने आमिर के इस बर्ताव पर और भी बहुत कुछ कहा है। उन्होंने आगे लिखा, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो या फिर सलमान खान, सही बात यह है कि इन तीनों में से मैं आमिर को अच्छा इंसान समझता था लेकिन सच ये है कि ये तीनों बदमाश हैं। बाहर से कितने भी ये जन जन के हीरो बने लेकिन भीतर से ये कट्टर मुसलमान ही हैं। याद कीजिए शाहरुख खान और फराह खान की फिल्म ओम शांति ओम का वो सीन जिसमें एक फिल्म का प्रीमियर होता है और उसमें देशभक्ति की फिल्में बनाने वाले मनोज कुमार जाते हैं। गार्ड उनसे आई कार्ड मांगता है तो आई कार्ड में जो तस्वीर होती है वो हाथों से छुपी होती है। गार्ड मनोज कुमार को डंडे मारकर भगाता है। मनोज कुमार की अदाकारी का एक रूप ये भी था कि अक्सर वे अपने चेहरे पर हाथ रख लेते थे लेकिन शाहरुख फराह ने इसका बहुत ही बेहुदा तरीके से मजाक उड़ाया। अब इस सीन के माध्यम से शाहरुख फराह क्या साबित करना चाह रहे थे, मनोज कुमार जिन्हें लोग भारत कुमार कहकर पुकारते रहे उनके लिए इतना अपमानजनक सीन रखने के पीछे कौन सी मानसिकता थी? क्या मनोज कुमार का देशभक्त होना और देशभक्ति पूर्ण फिल्में बनाना इन्हें रास नहीं आया था? सलमान खान को ही लीजिए, हर साल उनकी गणपति पूजा वाली तस्वीरें आती हैं लेकिन जब काले हिरण शिकार मामले में फंसे तो पुलिस की हिरासत में गोल टोपी पहन कर गए, संदेश दिया कि मुसलमान हूं, इस नाते कानून सता रहा है। विकास मिश्रा के इस पोस्ट के बाद सवाल तमाम है लेकिन शायद इनका जवाब इन जैसे एक्टर्स के पास ना हो जो केवल अपनी फिल्मों में देश के सम्मान की बातें करते हैं लेकिन असल जिंदगी में देश के सम्मान के लिए
कभी कुछ नहीं करते। बॉयकॉट के डर से जनता और देश से माफी मांगने वाले ये अभिनेता अंदर से वाकई में बहुत ही कट्टर है। खैर इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल ओ न्यूज हिंदी को फेसबुक पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।